दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सपने में सांप को देखना और उनके अलग अलग मतलब। दोस्तों, सपने तो हमारे जीवन का आईना होते हैं। सोते हुए तो हर कोई सपने देखता है और उन सपनों का हमारे जीवन से कोई न कोई संकेत जरूर जुड़ा होता है, तो हमें सपनों के माध्यम से मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सपने में सांप को देखने का क्या मतलब होता है। आम तौर पर सांप को धूर्तता, भूखा और दुष्टता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सपने में सांप को देखने से शुभ संकेत कम और अशुभ संकेत ज्यादा मिलते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सांपों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, सांपों को पूर्व जन्म का ज्ञान भी होता है। तो आइए जानते हैं सांप आपको और क्या क्या संकेत देते हैं। नंबर एक, में अगर आपको मरा हुआ सांप दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके जीवन से परेशानियां और संकट दूर होने वाले हैं। दूसरा संकेत, सपने में अगर आप सांप को खुद को पकड़ते हुए देखते हैं तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आप अपनी मेहनत से भविष्य में संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। तीसरा संकेत, सपने में अगर आप सांप उड़ता हुआ दिखाई दे, ये सपना उन्नति और तरक्की का संकेत होता है। चौथा संकेत, सपने में अगर आपको बार बार काला सांप दिखाई देता है तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपको काल सर्प दोष है। हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो ये भविष्य में होने वाली किसी अच्छी घटना की ओर संकेत करता है। इसी तरह सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत होता है। ये सपना आपको धन संपत्ति प्राप्त होने का संकेत होता है। पांचवी बात, सपने में अगर सांप को डरकर भागते हुए देखते हैं तो ये अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि आपको अपने शत्रुओं से धोखा मिल सकता है। छठी बात, सपने में अगर आपको सांप पीछा करते हुए दिखाई देता है या फिर काटते हुए दिखाई देता है तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है। छठा संकेत, अगर आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। उनके प्रति आप अपने दायित्व को भूल रहे हैं, अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, इसलिए नाग नागिन के जरिए सपने में आपको दिखाई देते हैं। यदि आप सपने में सांप के बच्चे देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी। आने वाले समय में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उन परेशानियों से आप बाहर भी निकल आएंगे। सातवां संकेत, यदि आप सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके गुप्त शत्रु आपके सामने आएंगे और आपकी उनसे लड़ाई भी होगी। वहीं पर यदि आप सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखे तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आप पे बनी हुई है और जल्द ही आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।